संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जो आज की वीडियो है मैं हिंदी में बनाऊंगा ताकि सभी को समझ में आए आसानी से। दो चार दिन पहले एक मैंने वीडियो देखी थी, राहुल आर्य नाम का कोई शख्स है जो कि एक थैंक्स भारत नाम की दुकान चलाता है यूट्यूब के ऊपर। उसने एक वीडियो बनाई और उसमें लिखा कि सिखों को आज ये बात हजम नहीं होगी। पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ वो क्या बात थी। किसी सिख पत्रकार ने कहीं पर किसी जगह पर ये बोला कि जो आज हिंदू धर्म है और जो आज वो हंस खेल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, वो हमारे गुरुओं की शहीदी, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के कारण से, वजह से है, जो कि बात सच है, इतिहास गवाह है। और उनको ये सच कड़वा लग गया तो उन्होंने एक सिख पत्रकार की बात को लेके पूरी सिख कौम को टारगेट किया और बातें कहीं की कहीं जोड़ दी कि हिंदू धर्म, छोटे साहबजादे हिंदू धर्म की पालना करते थे, गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म की पालना करते थे, वो जनेऊ धारण करते थे, वो खुद भी हिंदू थे। तो बताना चाहूँगा कि 500 साल पहले गुरु नानक महाराज ने सिख धर्म चलाया था और वो उसके 9वें गुरु थे। तो इससे तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वो हिंदू नहीं थे। और छोटे साहबजादे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की संतान थे तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हिंदू धर्म की पालना करते थे। चलो ठीक है, आपने कह दिया। तो अगर राहुल आ रही है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बात का रिप्लाई ज़रूर करे। मैं उसको 5 बातें बताता हूँ। हो सकता है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। पहली बात ये, जैसे कि आपने किसी एक सिख पत्रकार के कहने पे आपने पूरी सिख कौम को टारगेट किया ना, तो मैं अब आपको 5 बातें बताता हूँ। गंगू ब्राह्मण नाम का आपने सुना होगा, इतिहास में एक व्यक्ति था गंगू ब्राह्मण। गंगू ब्राह्मण जो था वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के यहाँ पे नौकरी करता था। उसको अच्छे खासे पैसे मिलते थे और उसको गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना बच्चा बना के रखा हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की इतिहास गवाह है कि उन्होंने कभी अपनी संगत या वहाँ के रहने वाले लोगों और अपने बच्चों में कभी भी डिफरेंस नहीं किया, सबको बराबर समान दर्जा दिया हुआ था। वहाँ से वो खाता था, वहीं से वो लेता था, वहीं से वो पहनता था और कई सालों तक उसने वहाँ पे नौकरी करी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के यहाँ पे, और उसको एक बच्चे का दर्जा दिया हुआ था। जब सरसा नदी पे परिवार बिछड़ गया तो बड़े साहबजादे और गुरु गोबिंद सिंह महाराज अलग हो गए और छोटे साहबजादे और माता गुजरी जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की माता जी, माता गुजर कौर जी, वो अलग हो गए तो गंगू ब्राह्मण उनको अपने घर ले गया। वजीर खान ने कुछ अमाउंट अनाउंस किया हुआ था कि इतना आप अमाउंट देंगे, कोई भी व्यक्ति अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परिवार की जानकारी देगा तो उसको एक सफिशिएंट अमाउंट दिया जाएगा। तो उसने कुछ थोड़े से सिक्कों के लालच में जाके वजीर खान को शिकायत कर दी कि छोटे साहबजादे और माता जी मेरे यहाँ पर रुके हुए हैं, आप उनको पकड़ो और ये मुझे मेरा इनाम दे दो। अब गंगू ब्राह्मण नाम से ये तो साबित हो गया कि वो हिंदू था और सनातन धर्म से बिलोंग करता था। उसको हम गालियां देते हैं, उसको हम कोसते हैं क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया, लेकिन हमने कभी कहा कि पूरे सनातन धर्म वाले चुगलखोर होते हैं, पूरी हिंदू कौम जिस थाली में खाती है उसमें छेद करती है, कभी किसी सीखने नहीं कहा। वो बंदा बेकार था, वो जानवर था, वो उसकी सजा उसको मिल गई। कभी किसी सिख ने नहीं बोला कि पूरी हिंदू कौम चुगलखोर है, पूरी हिंदू कौम पीठ पर चूजा घोपती है और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, कभी किसी ने नहीं बोला। समझ में नहीं आई, दूसरी बात सुनो। जब वजीर खान की कचहरी में छोटे साहबजादे गए तो वहाँ पे एक बंदा था सुच्चानंद, जिसने बीड़ा उठाया हुआ था कि सिख धर्म को, सिख कौम को ख़त्म करना है, क्योंकि वो सिख धर्म की दलेरी और बहादुरता थी और जो वीरता थी उससे डरता था वो। तो उसने वजीर खान के कान भरे, जिसके कारण उनको जिंदा दीवार में चुनवाने का फरमान जारी हुआ। तो अब किसी ने नहीं कहा कि पूरी हिंदू कौम है जो वो चुगलखोर है, वो कान भरती है, पूरी हिंदू कौम है वो कपटी लोग हैं, बेकार लोग हैं, कभी सुना नहीं आपने किसी से।
क्योंकि वो बंदा बेकार था, वो बंदा घटिया था, वो जानवर था, उसको उसकी सज़ा मिल गई। अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 21 लड़ाइयाँ लड़ी, सब जीती। कितनी बार उन्होंने हिंदू पहाड़ी राजाओं को हराया, फिर भी उनकी किसी ज़मीन पे या उनके एक पैसे पे कब्जा नहीं किया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास में, सब कुछ उनको वापस कर दिया। एक एक ज़मीन नहीं रखी उनकी कहीं पे, ना एक एक रुपये उनका रखा, कुछ भी उनका कोई सामान नहीं लिया, ना ज़मीन ली, ना उनका महल छीना, ना जगह छीनी, कुछ भी नहीं लिया। जब मुग़लों ने अनंतपुर साहब का किला घेरा था तो हिंदू पहाड़ी राजाओं ने उनका साथ दिया, जबकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कभी भी उनका कोई पैसा हजम नहीं किया या उनकी कोई ज़मीन नहीं छीनी, फिर भी उन्होंने मुग़लों के साथ मिलके हमले की तैयारी करी और किला घेर लिया और अंदर जाके ये बोला कि अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज किला खाली कर देते हैं तो मुग़लों ने कुरान की कसम खाई और हिंदुओं ने, हिंदू राजाओं ने कसम खाई गाय की, जिनको आप माता कहते हैं और आज जो हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है और सत्कार योग है। किला खाली करने के बाद उन्होंने पीठ पीछे हमला किया, गाय की कसम तोड़ी। तो कभी किसी ने सिख ने नहीं कहा कि जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं वो पीठ पे छुरा घोपते हैं और बिन पैंदे के लोटे होते हैं, विश्वास नहीं करना चाहिए इनकी बातों पे, बेईमान होते हैं, झूठे होते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा। पर आपने एक सिख पत्रकार के कहने पे पूरी कौम को टारगेट कर दिया। इतिहास और भी है, मैं गिनाने बैठूंगा तो कई दिन कई रात निकल जाएंगी, फिर भी मैं आपको ये तीन मेजर पॉइंट बता रहा हूँ। चौथी बात, ये जो आपने दुकान खोली हुई है थैंक्स भारत के नाम से, इसमें क्या है कि हो सकता है कि आपको अगला जन्म बकरी का मिल जाए, क्योंकि आप बहुत मैं करते हैं। मेरा धर्म ये, मैं सबसे अच्छा, बाकी दुनिया भाड़ में, मुसलमान बेकार, क्रिश्चियन बेकार, सिख बेकार, मैं अच्छा, मेरा सनातन धर्म अच्छा। असली हिंदू जो होता है ना, वो कभी किसी को बुरा नहीं कहता। अगर आप में अच्छाई है ना, तो आप अपनी अच्छाई लोगों को दिखाएं, अपना टैलेंट लोगों को दिखाएं, उससे आप लोगों को आकर्षित करें, अपनी तरफ खींचें। आपने दुकान खोली हुई है दूसरे को बुरा भला कह के अपनी अपने आप को अच्छा दिखाना, वो इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जो दूसरों की कमियां निकाल के अपने आप को अच्छा कहता है। और आपकी दुकान की जो नींव है वो तो इसी पे ही है, मुसलमान ये, सिख ये, क्रिश्चियन ये। मैं मानता हूँ कि आपको किसी हिंदू संगठन से पैसे मिलते हैं इस काम के लिए, पर फिर भी आपको सोचना चाहिए कि आप कैसा काम कर रहे हैं। पांचवी बात, आपको मैं मानता हूँ कि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, हम आपको पैसा देंगे डबल। अगर किसी आतंकवादी संगठन से आपको पैसा मिल रहा है तो हम आपको डबल पैसा देंगे और आप हमारे दो काम करें। पहला काम ये कि जो हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, वेद हैं, जो गीता है, उसके ज्ञान को बाहर लेके आएँ, उसकी अच्छाई को बाहर लेके आएँ और वो लोगों में फैलाएँ, ताकि मानवता, इंसानियत जागे और आपसी प्रेम बढ़े हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर। और दूसरा काम ये कि किसी को बुरा भला ना कहें। आपका धर्म अच्छा है, आप अच्छे हैं, आपको मुबारक है, पर आप किसी और को गलत कह के अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते। तो एक पत्रकार के कहने पे आपने पूरी कौम को टारगेट किया, तो मजबूरन मुझे ये इतिहास खोल के रखना पड़ा आपके सामने। तो अभी और भी इतिहास है, और भी कई बातें ऐसी हैं जो कभी किसी को बताई नहीं गई, खास करके आप लोग भी छुपाते फिरते हैं उन चीज़ों को। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप निजी जीवन में एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर किसी के ज़ोर जबरदस्ती से या किसी के दबाव में आके ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके कर्म खराब हों या आपको किसी जगह से बुराई मिले। अगर आपका धर्म अच्छा है तो आप उसकी अच्छाइयाँ दिखाएं। आप अपना धर्म अच्छा दिखाने के लिए किसी को धर्म की बुराई मत करें, ये मेरा एडवाइस है आपको। और अगर आप मुझे रिप्लाई करना चाहते हैं या कोई भी हिंदू भाई, मैं चाहता हूँ हिंदू भाई भी मेरी बात सुने समझे, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे 90% दोस्त हिंदू हैं।
मेरा जो प्रोफेशनल काम है, मेरा छोटा सा बिजनेस है, जो मेरा सर्किल है वो भी काफ़ी 95% हिंदुओं का सर्किल है। बहुत प्यार से रहते हैं हम लोग यहाँ पे। कभी भी हमने कभी ऐसी बात नहीं करी एक दूसरे के साथ में। मेरे बचपन के दोस्त कितने हिंदू हैं, आज भी हम उनसे मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं। होली दिवाली पे हम घर जाते हैं, वो भी हमारे घर आते हैं बैसाखी पे। कभी भी हमने आपस में कभी ऐसी बात नहीं करी जिससे हमारे एक दूसरे के सेंटीमेंट्स हर्ट हों या हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे। वो सत्कार करते हैं हमारे धर्म का, हम सत्कार करते हैं उन लोगों का। और यही हिंदू धर्म सिखाता है, सबका आदर सम्मान करना, यही हमको सिखाया जाता है। तो आप समझें किसी बात को, ये अगर आप ये सोचें ठीक है आप अपने 10 लाख 15 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर कर लेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा? आपकी आत्मा आपको गवाही नहीं देगी इस चीज़ की। आप कब तक लोगों को बुरा बुरा कह लेंगे? फिर अभी आप, पहले आपने मुसलमानों को पकड़ रखा था, आप क्रिश्चियन को पकड़ रखा था, फिर वहाँ से आपने आपके दो तीन जो आपके संगठन के लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया आपका चैनल, और दो तीन वाह-वाह कर दी, तो आपको और जोश आ गया, पैसा भी मिल रहा था आपको पीछे से, तो आपको लगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। पर आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप बुरा काम कर रहे हैं। आप किसी को बुरा भला कह के अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, जो खुद एक बहुत बुरा काम है। तो अगर अच्छा, अगर आपको इतना ही शौक है डिबेट करने का, तो आप डिबेट ऑर्गेनाइज करें, मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ पे। ठीक है, एक कमरे में रह के वीडियो ना बनाएं, आप बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें और आप ओपन डिबेट करें एक, फिर मज़ा आएगा। फिर अगर आपको आपको अगर करना ही है डिबेट, तो फिर आप ओपन, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आप डिबेट करें, फिर मैं बताऊँगा आपको। मैं चाहता नहीं था ये वीडियो बनाना, पर मुझे मजबूरन बनानी पड़ी। मेरा नंबर मैं छोड़ रहा हूँ, और किसी भी भाई को, किसी हिंदू भाई तो ज़रूर देखें, मुसलमान भाई भी देखें, किसी भी भाई को अच्छी लगे वीडियो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको शेयर करो या लाइक करो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए वीडियो से। कमेंट करना कि मैंने सही कहा या गलत कहा। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।